फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, रात को सोते टाइम अगर एक तंदुरुस्त इंसान इस एक चीज का सेवन करना शुरू कर देता है तो उसको जिंदगी में कभी भी वात से संबंधित रोग नहीं होंगे, उनको जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, नसों में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगी, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो कंट्रोल में ही खाना चाहिए, लिमिट में ही खाना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो आप 1.5 ही चपाती खाइए, अगर आपको 3 चपाती की भूख है तो आप 2.5 चपाती खाइए, यानी कि सिर्फ 1/2 चपाती कम खाना ही काफी होगा, यानी अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाइए। दोस्तों, इसके अलावा कभी कभार अगर आपने ज्यादा खा लिया है या कहीं आए गए हैं तो ज्यादा खाया गया है, तो अगर आप इस साधारण सी चीज का सेवन रात को करना शुरू कर देंगे तो आपको वो समस्या नहीं आएगी कि खाना पचा नहीं, हमने रात को खाना भारी खा लिया था इसके कारण नहीं पचा, या फिर खाना हमें पचता ही नहीं है, हमें वात के रोग है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। तो ये साधारण सी चीज कौन सी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाए ताकि इसके फायदे आपको और भी ज्यादा मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट की है, यानी कि थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी जो बिना दवाई बिना मेडिसिन के ये समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि अगर किसी को ये समस्याएं हैं, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है या बुरे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है या फिर ज्वाइंट पेन है, घुटनों में दर्द है, तो वो अगर इसका सेवन नियमित तौर पर करते हैं, यानी कि जो तंदुरुस्त है वो कभी कभार छोड़ सकते हैं, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन ले लिया, लेकिन जो जिनको ये प्रॉब्लम है वो नियमित इस चीज का सेवन करते हैं तो उनकी ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये नहीं कि पहले दिन ही सारी दवाई छोड़ देनी है और इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। दोस्तों, दवाई के साथ इसे आप लेते रहिए, धीरे धीरे दवाई अपने आप छूट जाएगी। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, रात को क्या चीज लेनी है, वो है दोस्तों लहसुन। लहसुन तीखी होती है, सिर्फ इसके अंदर एक ही कमी है कि इसकी गंध थोड़ी सी तेज है, बाकी इसके अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता के द्वारा लहसुन के फायदे बताने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को या फिर आजकल के जो युवा हैं उनको जितनी भी बीमारियां हैं वो लहसुन के अलग अलग तरीके से सेवन करने से ठीक की जा सकती हैं। दोस्तों, ये नहीं है अकेला कि आपने खाली पेट लहसुन खाई और बिल्कुल फायदेमंद है। आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग जड़ी बूटी के साथ आप अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पर अगर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफी कारगर होगी, यानी कि किस बीमारी में किस टाइम पर सेवन करना और किसके साथ सेवन करना है। तो इस चीज की सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लहसुन के पहले फायदे की बात करें तो अगर आपके घर में आपको या किसी को भी लगता है कि उनको हार्ट वाली साइड में दर्द होता है या हार्ट अटैक हो चुका है, तो दोस्तों लहसुन में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो खून को पतला करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में इम्प्रूव करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी नसों के अंदर बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, सबसे पहले आपको लहसुन लेनी है और इसे छील लेना है। दोस्तों, आपको एक लहसुन की कली को कूट कर लेना है, और दोस्तों जो अर्जुन की छाल होती है ना, जो आपको पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, अर्जुन की छाल को आपने 1/2 चम्मच लेना है, यानी कि 5 ग्राम होता है 1 चम्मच, तो आपने 1/2 चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम की मात्रा में लेना है, और आपने एक कली लहसुन लेनी है, इसे कूट कर क्रश करके लेना है। दोस्तों, आपने 100 मिलीलीटर पानी के अंदर आपने इसे उबालना है, पकाना है इन दोनों चीजों को। जब ये पानी आधा रह जाए तो आपने गैस को बंद कर देना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो वरदान है ये दोनों औषधियाँ। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी तरह से लहसुन और शहद का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन जो होती है जब आप शहद के साथ मिलाकर लेते हैं तो ये पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले आपको बता दूं कि पुरुषों को कैसे फायदा मिलता है। पुरुषों के अंदर जो अंदरूनी कमजोरी होती है, थकान होती है, दुर्बलता होती है, आलस होता है, ये समस्याएं अगर आप शहद का एक कली कच्ची लहसुन का सेवन कूट कर उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करके लगातार लेते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे, ये समस्याएं सारी की सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद है। जिनको भी पीरियड्स के दौरान बहुत प्रॉब्लम आती है तो आपने लहसुन की कच्ची कली लेनी है,
उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्रश कर लीजिए और 100 ml की मात्रा में पानी लेकर इस लहसुन की कली को इस पानी के अंदर पका लेना है। जब ये पानी उबल जाए तो अपने गैस को बंद कर देना है और इस पानी को नॉर्मल सा होने देना है। पीरियड्स के दिनों में जब आपको दर्द महसूस हो तो ऐसा ही पानी बनाकर और नॉर्मल करके अगर आप पीते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ये समस्या लंबे टाइम से चल रही है तो आपने क्या करना है, शतावर चूर्ण लेना है। शतावर चूर्ण का 1/4 चम्मच इसी पानी के साथ अगर आप ले लेते हैं, पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से शतावर चूर्ण मिल जाता है। किसी को भी अगर नियमित तौर पर मासिक धर्म नहीं होता हो तो उनके लिए भी ये औषधि बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, ये बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी मेंटेन रखने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, उनमें भी लहसुन की कली आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करनी चाहिए। तांबे के बर्तन का पानी होना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों में आप एक कली सेवन करते हैं और गर्मियों में एक दिन छोड़कर एक कली लहसुन की सेवन करते हैं या फिर लहसुन की कली को पानी में पकाकर उस पानी को पीते हैं, तो दोस्तों इसके सेवन से खून की कमी, कैल्शियम की कमी या खून का गाढ़ा होना, साथ में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो भी ये दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लहसुन की कली को चबाकर खाते हैं तो सर्दियों में ये बहुत फायदेमंद होती है। सर्दियों में ऐसे फायदा होता है दोस्तों, सर्दियों में आपके शरीर को गर्माहट देने का भी काम करती है, क्योंकि लहसुन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो यह सर्दियों में आपकी बॉडी में से हीट को पैदा करती है। इसके अलावा स्वपन दोष की समस्या में भी पुरुषों को इसका सेवन नियमित करना चाहिए। रात को सोते टाइम करना है, शहद के साथ करना है। अगर आपने 3 हफ्ते कर लिया तो पुरुषों की ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन के अगले फायदे की बात की जाए तो जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर पड़ चुकी है तो लहसुन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लहसुन RBC और WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करती है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। लहसुन के अगले फायदे की बात करूं तो जिनको भी गैस की प्रॉब्लम रहती है तो उनको लहसुन का सेवन हमेशा ही भून कर करना चाहिए। आप तवे पर आराम से भून सकते हैं इनको। जब ये हल्की सी ब्राउन सी दिखने लगे एक साइड से और दोनों साइडों से, उसके बाद तब आप इसका सेवन गुनगुने पानी के साथ कर लीजिए। आपने आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, ऐसा करने से गैस की समस्या दूर होती है। दोस्तों, भुने हुए लहसुन या कच्चे लहसुन का सेवन आप दोनों ही कंडीशन के अंदर, अर्थराइटिस पेशेंट, गठिया पेशेंट या घुटनों की ग्रीस के खत्म होने वाले पेशेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक कली लहसुन इतनी कमाल की है कि किसी और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, एक कली लहसुन और 30 मिनट की वॉक हमेशा ऐसी ही अगर आप फॉलो करते हैं अपना लाइफस्टाइल तो तंदुरुस्ती आप ही के पास होगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।